इनक्रेडिबल सुमन पर न्यू अपडेट और रोचक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो दोस्तों, मैं सुमंत आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस खिचड़ी चैनल में जिसका नाम है इनक्रेडिबल सुमंत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अनबॉक्सिंग हो, ट्रैवल ब्लॉग हो, डिशेस का रिव्यू हो और भी बहुत कुछ, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 6 Pro के कुछ बेहतरीन फीचर्स के बारे में जिसका अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए अब हम बात करते हैं Redmi Note 6 Pro के कुछ फीचर्स के बारे में। पहले पॉइंट में यह है कि अगर आपको इस फ़ोन में MIUI 9 मिला है, जैसे कि मुझे भी MIUI 9 मिला था, तो आप सिस्टम अपडेट में जाकर चेक कर लीजिए, आपको MIUI 10.0.4 मिल गया होगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो अगर आप अपने फ़ोन के रियर कैमरे से पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आप उसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना होगा गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि इन सब में से पोर्ट्रेट मोड में वाली फ़ोटो कौन सी है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ फ़ोटो में एक सर्कल टाइप का आइकन बना है, जिसमें आइकन बना है वो सब फ़ोटो पोर्ट्रेट मोड में लिया गया है। जैसे कि आप इस फोटो को ओपन करते हैं तो आपको ऊपर में एक सेम आइकन देखने को मिल जाता है। इसे क्लिक करने के बाद आपको तीन और न्यू ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें कि आप ब्लर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, सेकंड में बैकग्राउंड ब्लर को इफेक्ट दे सकते हैं और थर्ड ऑप्शन स्टूडियो लाइटिंग केवल तब काम करता है जब किसी का फेस हो, तब उस इमेज में काफ़ी अमेजिंग इफेक्ट के साथ उस इमेज को चेंज किया जा सकता है। इसी में नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो गैलरी में आपको ऊपर थ्री डॉट्स में क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है फ्री ऑफ स्पेस, जो कि Redmi Note 5 Pro में भी दिया गया है। इससे आप डुप्लीकेट फोटोज वीडियो को डिलीट कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो आप अपने नोच वाले डिस्प्ले को भी हाइड कर सकते हैं। उसके लिए सेटिंग में जाने के बाद आपको सिस्टम एंड डिवाइस के अंदर फुल स्क्रीन डिस्प्ले में जाकर फर्स्ट ऑप्शंस हाइड नोच को एनेबल करने के बाद आप अपने नोच को हाइड कर सकते हैं। इसी में ही एक और फीचर है जो कि फुल स्क्रीन मोड है। इसे एनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में जो स्वाइप की है वो हाइड हो जाएगा और आप बैक करने के लिए साइड से स्लाइड करना होगा और होम स्क्रीन जाने के लिए नीचे से ऊपर की ओर स्लाइड करना होगा। ये आपका फुल स्क्रीन मोड को अनेबल कर देता है। नेक्स्ट फीचर में अगर आपको बैकग्राउंड ऐप क्लीन करते वक्त मेमोरी स्टेटस शो नहीं हो रहा होगा तो उसे अनेबल करने के लिए अपने होम स्क्रीन में कुछ सेकंड प्रेस करने के बाद थ्री ऑप्शंस आएगा, जिसमें से आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपको मोर में क्लिक करना है। आप डायरेक्ट फोन के सेटिंग में जाने के बाद होम स्क्रीन एंड रिसेंट मेनू को ओपन करके भी जा सकते हैं, फिर वहां आपको शो मेमोरी स्टेटस को अनेबल कर दीजिए, जिससे आपको अपना रैम का फ्री मेमोरी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट फीचर इनकमिंग कॉल को लेकर है। उसके लिए आपको डायलर में क्लिक करने के बाद साइड में थ्री लाइंस को क्लिक करना है, जिसमें आपको इनकमिंग कॉल की सेटिंग दिख जाएगी, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन में फ्लिप टू साइलेंस रिंगर का ऑप्शन मिलता है। उसे अनेबल करने के बाद अगर कोई आपको कॉल करे तो आप फोन को डिस्प्ले के साइड से नीचे फ्लिप कर देंगे तो आपका फोन ऑटोमेटिक साइलेंस हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इनकमिंग कॉल के वक्त अगर आप फोन को उठाते हैं तो ऑटोमेटिक ही आपका वॉल्यूम रिड्यूस होता जाएगा। थर्ड ऑप्शन में धीरे धीरे इनकमिंग कॉल का वॉल्यूम इंक्रीज होता रहेगा। फोर्थ ऑप्शन में रिंगिंग के साथ फ्लैश ब्लिंक करता रहेगा। फिफ्थ ऑप्शन ऑलवेज ऑन ही रहता है एंड लास्ट में म्यूट फर्स्ट रिंग का ऑप्शन है। अगर आपको कोई अननोन नंबर से कॉल आता है तो उसका फर्स्ट कॉल इनकमिंग में साउंड नहीं आएगा, सेकंड टाइम वो कॉल करे तो उसमें साउंड आएगा। नेक्स्ट फीचर में आपको डबल टैप का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें अगर आपका फोन लॉक रहे तो आपको स्क्रीन में केवल दो बार टैप करना है, जिससे आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा। इसे अनेबल करने के लिए सेटिंग में जाकर
डिस्प्ले में जाना होगा, उसके बाद आपको डबल टैप का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट फीचर में आप अपने होम स्क्रीन का ट्रांजिशन इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको होम स्क्रीन में कुछ सेकंड प्रेस करने के बाद सेटिंग में जाकर ट्रांजिशन इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर में आपको हाइट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप किसी भी इमेजेस, वीडियो या फाइल को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको फाइल मैनेजर में जाने के बाद नीचे की ओर स्वाइप करना होगा, जिससे एक हाइड करने का ऑप्शन अनेबल हो जाएगा, जो कि एक पैटर्न पासवर्ड या फिंगरप्रिंट पासवर्ड से प्रोटेक्ट रहता है। फाइनल फीचर की बात करूं तो आपको ऊपर में जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट मिलता है उसे भी आप मैनेज कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।